बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महक मुझे ये बताया, जब हम बात करते हैं फनी फैक्ट्स की, फनी जो फनी वाकया होते हैं, कोई ऐसी मजेदार बात, कोई वाकया जो मेकअप रूम में हुआ हो या ऑन स्क्रीन आपने जब न्यूज़ पढ़ी हो या प्रोग्राम करते हुए हुआ हो, कुछ ऐसा जरा शेयर तो करें हमारे साथ। ऐसा सच कभी कोई फनी चीज हुई नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, जैसे आप देखेंगे एंकर के बहुत सारे ब्लूपर्स बन जाते हैं, बहुत सारे फंबल्स हो जाते हैं, और इस चीज पे जो है कभी आपको खुद भी हंसी आ रही होती है। सबका, अभी उमेर बैठा हुआ है, कल मैं उमेर के साथ चीज डिस्कस कर रही थी कि बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए कि अगर मैं ऑन स्क्रीन आने से पहले मैं हंसना शुरू कर दूं तो उस हंसी को ऑन स्क्रीन रोकना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। और ये बहुत सारे एंकर के साथ होता है ऐसे कि अगर आप किसी भी चीज पे हंस रहे हैं और आप फौरन से कट हो जाते हैं तो उस हंसी को कंट्रोल नहीं किया जाता। तो ये एक चीज है। और मैं जब भी किसी के साथ बैठ के न्यूज कर रही होती हूँ तो मैं से कहती हूँ कि देखो, ऑन स्क्रीन आने से पहले मुझे हंसाना नहीं है, क्योंकि जाहिर है कुछ खबरें ऐसी होती है जिनको आप हंस के नहीं पढ़ सकते, कुछ चीजें ऐसी होती है किसी जिनको ने आप फनी प्रैंक फेस किया के हो साथ आपके डिलीवर नहीं साथ? कर सकते। कभी सेट पर किसी जी ने प्रैंक किया हो आपके साथ? नहीं, कभी, शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने कोई प्रैंक प्रैंक नहीं किया। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ है कि कभी कभार जो है वो आप ऑन स्क्रीन ऐसे बिल्कुल कट हो गए हैं कि आपका चेहरा बहुत हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ आ रहा होता है, तो फिर आपको थोड़ा होता है बाद में कि नहीं यार, थोड़ी सी हंसी जो है वो आपने अपनी कंट्रोल करनी है और हंसना नहीं है ज्यादा। महक की एक बात मैं आपको बता दूं, जी महक जी को मेकअप में एंटर होते साथ ही कुछ खाने को चाहिए, मेकअप के बीच में खाने को कुछ चाहिए, मेकअप हो गया बुलेटिन से पहले खाने को कुछ चाहिए, और और बुलेटिन बुलेटिन में ब्रेक में जब प्लान बुलेटिन में पहला ब्रेक से पहले भी जो पैकेज चलेगा ना, क्या मंगवाऊं खाने के लिए, ऐसा क्या ऑर्डर करूं यार, कुछ खाना है कुछ खाना है कुछ लेकिन मंगवाओ। महक को देख के लगता तो नहीं है कि वो इतना अब खाती है, ये उससे माशाल्लाह सवाल, शी अब इज सो फिट। ये सवाल, अब तो बुलेटिन के महक बाद यार ये फिटनेस मैं कुछ कराज खाऊं जाके, मैंने कुछ खाना है, मैंने कुछ मंगवाना है, अच्छा सब कुछ खा लेगी, पूछेगी घर से कल आए आज खाने के लिए, यार महक अच्छा, एंकर्स में होता है ना कि फिटनेस को मेंटेन भी रखना पड़ता है, बड़ी चीजें देखनी पड़ती है, तो हाँ, क्या महक आप भी फिटनेस का ख्याल रखती हैं? आप बिल्कुल रखना पड़ता है, अगर आप ना रखें तो आपको अपने ही इर्द गिर्द के लोग कहना शुरू कर देते हैं क्या हुआ आज बहुत ज्यादा चेहरा स्वेल आ रहा है, क्या हुआ है, मोटी नहीं हो गई हो। बिल्कुल रखना पड़ता है, और इसके लिए मुझे मुझे ये लगता है कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप ना लिमिटेड खा लें। मैं उसी नुमैर को भी ये कहती कह रही थी कि देखो तुम्हें लगता ही है कि मैं बहुत खाती हूँ, लेकिन मेरे जो खाने का पोर्शन है वो काफी कम होता है, और जाहिर है वॉक तो आपके लिए मैंने मस्त तो है, पोर्शन ज्यादा ही और देखा बस जब यही खाते जरूरत हुए देखा। छोटी अच्छा छोटी जब सारी चीजें बातें हो करने जाएगी ना से। ईशा जी, पता क्या करती, आज जब आगे बुलेटिन में बैठेगी, यार कल रात को मैं अपने हस्बैंड के साथ खाना खाने गई, उधर से जाके किसी ऐसी ऐसी जगह का नाम बता देगी, और फिर अब बता दिया इसने, गुजर गया खाना खा लिया, क्योंकि यार आज हेलो अपने हस्बैंड को बुला के मुखातिब करके, यार आज रात को तो खाना खाने जाना, मुझे नहीं पता, मुझे तुमने उधर लेके जाना, मतलब इसकी जिंदगी में खाने के अलावा कुछ नहीं, मैं खाना तुम्हारे और साथ इसका बेटा। रहेगा, हम किरण से भी पूछते हैं कि किरण, मैं एक चीज ऐड करूंगी यहाँ पे। जी देखिए, जी जी लाहौरी होने का ना, लाहौरी होने का ये बहुत फायदा सबूत होता है। है कि आप जितना हाँ मर्जी खा लें आपको मुझे लगता है शायद उतना लगता नहीं है, तो लाहौरी तो वैसे ही बड़े खाबों के शौकीन नहीं होते नहीं हैं। कुछ लोगों को तो पानी भी लग जाता है। अच्छा नहीं, वैसे ये क्वेश्चन माशाल्लाह, मैं साशा भी सामने बैठी है, किरण भी हमारे साथ है, ये आप लोगों से बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, किस तरीके से आप लोगों ने इतने सालों से, माशाल्लाह हम तो आप लोगों को ये देखते तो हुए आए, पहले सीख मेरे रहे, ख्याल है जाएंगे किरण किरण को से बताना पूछते चाहिए। हैं। हाँ जी किरण को किरण, बताना आप चाहिए। बताइए आप किससे मेंटेन करती है, फिटनेस का ख्याल रखती हैं? फिटनेस का ख्याल पता नहीं खुद ही हो जाता है शायद, अभी तक कोशिश तो नहीं की। कभी कोई देखता है तो वो कहता है कि पतली हो रही है, कभी कोई देखता है तो कहता है मोटी हो रही है, कभी कोई कहता है मुंह सूज रहा है, कभी कोई कहता है नहीं सूज रहा। तो इतना टाइम नहीं मिला कभी के इस चीज के ऊपर बाकायदा तौर पर गौर करूं। हर रोज सोचती हूँ कि कल से शुरू करूं, लेकिन वो कल अब तक नहीं जिंदगी आया। ऐसी है कि इतनी मसरूफियत है कि वो कल अभी तक आया नहीं। तो शायद क्योंकि मेरा ताल्लुक जिस शहर से है वो इतने ज्यादा फूड लवर होते नहीं है, हालांकि खाना जो है वो होता ही, कराची का जो टेस्ट है वो, लेकिन वो फूड लवर नहीं होते। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं खाना वो पेट भरने के लिए और जरूरत के तहत, कि आपको बस भूख लग रही है तो उस वक्त आपको खाना चाहिए, बहुत ज्यादा चूजी और बहुत ज्यादा फूड लवर नहीं हूँ। खाने के वक्त पे खाना मिल गया, दैट्स इट, पेट भर गया, उसके बाद आप मेरे सामने मनुसलवा भी रख दें तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो आज तक किया नहीं है, लेकिन आज मोटिवेट होती हूँ आप तमाम लोगों की बातें सुन के, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल से कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ठीक हो गया, अच्छा ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, आपने तो आप बहुत लोग छोटी उम्र में अभी ज्वाइन वो किया उसकी था। बात कर रहे हैं ना बड़े मजे की, कि जी ऑन स्क्रीन कुछ ऐसे बातें होती हैं कि जिस पर हंसी आ जाए, जी तो जी अब आप बिल्कुल सोचें कि एक
हमारा जो काम होता है, हमारे साथ एक साथ 3-4 गेस्ट बैठे होते हैं और फिर उनके साथ वैसे भी आम तौर पर भी आपकी मुलाकातें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो जब आप एक अच्छा जब आप प्राइवेट मीटिंग्स में बैठते हैं तो आपकी अच्छी बातचीत हो जाती है लोगों के साथ। तो समटाइम इस तरह की चीजें हो रही होती हैं कि आप हंसी पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं भी एक रिसेंट पास्ट का आपको एक बड़े मजे का वाकया बताती हूँ, दोनों जगह पर नाम थोड़ा सा हाइड कर लूंगी क्योंकि बहुत ही रिसेंट केस है वो। अभी तो एक शख्सियत की बात हो रही थी और बात होते होते उन्होंने उनकी अहलिया का नाम लिया और अहलिया का नाम लेते हुए साथ में, और वो शख्सियत ऐसी कि जिनके ऊपर कंटेम्प्ट भी लग सकता है, कोर्ट के नोटिसेस भी आ सकते हैं, शख्सियत की बात होते होते तो क्योंकि उनकी उनका नाम जो है वो एक प्लेयर से बहुत ज्यादा मिलता है, तो वो इतने महजब अंदाज में उन्होंने बात की और इतनी खूबसूरत अंदाज में वो बात कर रहे थे कि करते करते उन्होंने उस शख्सियत के नाम के साथ वो जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उनका नाम ऐड कर दिया और कहा कि जी वो बहुत अच्छी शख्सियत हैं सरीना विलियम साहिबा और उनको जरूर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। उसके बाद एकदम, क्योंकि मैं भी अपने कैम मैं अपने सोलो पे कट हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों तीनों गेस्ट बैठे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा अपनी हंसी को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ और मैंने उनको इशारा किया कि सरीना विलियम्स क्या कह रहे हैं आप। उसके बाद उनका एक सांस ऊपर गया और एक सांस नीचे हो गया और उसके बाद फिर वो बहुत ही रब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जब मैंने उनको याद दिलाया कि जी आप सरीना विलियम्स कह रहे हैं थोड़ा हौले, तो फिर उनका सांस ऊपर नीचे हो गया और फिर वो आगे बात नहीं कर पाए और फिर वो सिचुएशन इस हद तक चली गई कि फिर हमें ब्रेक लेना पड़ गया। तो ये वाले बड़े वाकयात होते हैं। मैं आपको एक और बड़े मजे का एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाती हूँ जो मुझे आज भी आई डोंट नो कि आज भी अगर मैं वो बात करूंगी तो वो दोबारा फंबल होगा। हमारे एक बड़े सीनियर एंकर हैं, न्यूज एंकर हैं फवाद जैदी साहब, वो और मैं बुलेटिन कर रहे थे रात 12 बजे। 12 बजे के बुलेटिन का जैसे ही आगाज हुआ कि मैं बात कर रही हूँ, तकरीबन आज से कोई 9 9 साल पुरानी बात कर रही होंगी, कराची में चिंची रिक्शे बहुत ज्यादा चलते हैं, तो उसके ऊपर कोई पाबंदी वगैरह लगाई गई थी। अभी मैंने बहुत रुक कर और बड़े तहमुल के साथ ये वर्ड कहा है, वरना मैं जब भी चिंची रिक्शे की बात करती हूँ तो वो हमेशा चिंचा रिक्शे निकलता है। तो हमने जैसे ही बुलेटिन का आगाज किया, वो आज भी यूट्यूब पर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है और जब मैं सुनती हूँ उसको तो मुझे बड़ी हंसी आती है। अच्छा, एंकर्स जो है ना, जो हमारे सीनियर्स थे जिन्होंने सिखाया था, उन्होंने एक चीज बड़ी बताई थी कि एंकर बड़ा पर्टिनेंट होता है। एंकर को किसी भी सिचुएशन में वो आंखें खोल के बैठा होता है, उसको पता होना चाहिए कि वो अगर गलती कर रहा है, वो फंबल कर रहा है, एंकर को खुद पता होना चाहिए, ना कि उसे दूसरे लोग बताएं। सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंकर में ये होनी चाहिए कि अगर उसने गलती की है तो उसे खुद पता हो कि उसने क्या गलती की है और वो अपनी गलती को करेक्ट करे। तो मेरे अंदर जरा ये वाला जरासीम था कि अगर मैंने कोई गलती की है तो फिर मैं बॉल को अपने दूसरे एंकर की तरफ कभी भी शिफ्ट नहीं करती थी अंटिल के मैं अपनी गलती को करेक्ट ना कर लूं। तो वो हमारे पास ब्रेकिंग आई और ब्रेकिंग के कुछ जुमले ऐसे थे कि कराची में चिंची रिक्शा पर पाबंदी लगा दी गई, इसी तरह से चिंची रिक्शा के हवाले से 3-4 जुमले थे। पहली दफा जब हमने खबर को ओपन किया तो जैसे ही मैंने कहा कि चिंची रिक्शा, तो वो चिंचा रिक्शे निकला। पहली दफा हुआ चिंचा रिक्शे पर पाबंदी लगा दी गई। फिर वो उसको जुमले को और फवाद जैदी ने मुझे देखा और उनके चेहरे पर स्माइल आई, और मैं और फवाद जैदी जब हम साथ बैठे होते थे तो बड़ा मुश्किल हो जाता था हंसी को कंट्रोल करना। ऐसे ही एक और एंकर अशफाक सत्ती हैं, उनके साथ भी जब मैं बैठी होती थी तब भी मेरे लिए और अशफाक के लिए हंसी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। पहला जुमला खत्म हुआ चिंचा रिक्शी, उसके बाद फवाद जैदी ने मेरी तरफ देखा कि मैं उनको दूं, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं करेक्ट करके आपको देती हूँ। दूसरी दफा फिर मैंने पढ़ा और फिर उसके बाद मैंने किया चिंचा रिक्शी। उसके बाद तीसरी दफा फिर मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं करेक्ट करूंगी फिर आपको दूंगी। फिर दोबारा तीसरी दफा फिर अगेन मैंने पढ़ा चिंचा रिक्शी, एंड देन इमेजिन चौथी दफा फिर मैंने उसे करेक्ट करने की कोशिश की और फिर मैंने उसे कहा कि कराची में चिंचा रिक्शे पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये 4 दफा थ्रू आउट ये मैं करती रही हूँ और आज भी ये वर्ड ऐसा है कि वो आप जब भी इसको फ्लो में बोलना चाहें तो वो चिंची रिक्शा के बजाय चिंचा रिक्शे निकलता है और कभी वो किसी आज ने तक कोई बात कंट्रोल कह किया दिया, है। नहीं, कॉन्टेजियस हो गया, मुझे लगता है अब आप लोग अब पढ़ते मुझे हुए यही लगता है कहेंगे ये हो जाता हो है। दुआ करेंगे चिंची पे पाबंदी ना हो। अगर सोच कर बात करूँ ना तब मैं सही कर लेती हूँ उसे चिंचा, सॉरी देखें ले चिंची रिक्शा तो मैं सही कर लेती हूँ, अदरवाइज वो आज भी चिंचा रिक्शी ही होता है। मुझे ये बताए किरण, कभी खांसी कंट्रोल की हो या
खांसी भी हुई हंसी आ है रही हो? और छींके भी आई हैं और बड़ी चीजें हुई हैं। लाइव आप बैठे होते हैं, लाइव में जो लाइव एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जैसे आप नॉर्मली अभी मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, या कभी मक्खी आ गई हो जब आप नाक पे बैठ ऊपर गई हो, अपने ऊपर तंग कर रही आप, हो? या इनफैक्ट बल्कि ये भी वही वाला काम है ना, ये भी स्क्रीन के थ्रू लोगों के साथ जा रहा है। लाइव को समझने के लिए जो हमारे देखने वाले हैं, लाइव वो होता है जैसे आपके सामने बैठकर कोई बात कर रहा हो। और ये एक एंकर की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि आपको ये नहीं देखना कि आप सामने एक काले डब्बे से बात कर रहे हैं, आपने ये देखना है कि आप सामने एक पर्सन के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, और आपने इमेजिन करना है कि आप हर एज के इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं। आप एक 50 साल के आदमी से भी बात कर रहे हैं, आप एक यंग खातून से भी बात कर रहे हैं, आप एक 7 8 9 साल का बच्चा भी हो सकता है आपको देख रहा हो, आप उससे भी बात कर रहे हैं। तो आपके लव्ज, आपका फ्लो, आपका बोलने का अंदाज, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो अखबार से बिल्कुल मुख्तलिफ हो और हर किसी को देखने वाले को समझ आ रहा हो। तो जब आप लाइव होते हैं और जब आप एक किसी के सामने बैठे होते हैं तो बड़ी चीजें होती हैं। आपको खांसी भी आती है, आपको छींक भी आती है, आपको सर्दी भी लगती है, आपको गर्मी भी लगती है, आपके गले में कभी कभी आवाज फंस भी जाती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो मुझे छींके भी आई हैं और वो भी बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, पड़ा हुआ है। एक मैं अपना इंट्रो दे रही हूँ, गालिबन कुछ कर रही हूँ और बीच में मुझे छींक आई, उन्हें छींक करके और फिर मैं उठी और फिर मैं दोबारा शुरू हो गई हूँ। तो ये बड़ी चीजें हुई हैं। एक और मैं आपको बड़े मजे का वाकया सुनाती हूँ। हमारे पास एक बहुत पुरानी बात है, ये हमारे पास एक नई एंकर आई, तो वो वर्ड मैं स्पेसिफिकली भूल रही हूँ, मलाल और खुशी से निहाल, यस निहाल और मलाल, ये दो दो खबरें थी ऊपर नीचे लगी हुई थी, एक पे मलाल था और एक पे निहाल था। निहाल यानी आप खुशी से निहाल हो गए और दूसरी तरफ आप गम, सॉरी निढाल, निढाल एंड निहाल था। तो पहली वाली जब खबर आई तो खातून ने उसको खुशी से निढाल कर दिया, और फिर दूसरी दफा जब खबर आई तो उनको जब पहले में करेक्ट किया गया कि ये खुशी से निढाल नहीं है, तो फिर उन्होंने दूसरी वाली में गम से निहाल कर दिया, और गम से निहाल के साथ उन्होंने वो एक्सप्रेशंस भी दिए कि गम से निहाल ओहो हो गए। तो ये वाली चीजें भी बहुत ज्यादा हो रही होती हैं। तो इस वजह से, सॉरी खुला तजाद था ये। इसी से मुझे याद है हमारी बहुत सीनियर ये खुला एंकर तजाद अंकिता। नहीं, खुला तजाद नहीं था। समटाइम उर्दू के वर्ड्स जो है वो इतने ऐसे होते हैं कि जिसको समझने में शायद मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसी वजह से एंकर के लिए, मतलब ये एंकर के लिए नहीं होना चाहिए, सामने वाले को सोचकर आप बात करें, आप सोचें कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप किस एज के लोगों से बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आप अपनी जबान को इतना आसान रखें कि हर सुनने वाले और हर देखने वाले को समझ आए। लेकिन अच्छा, अगर मैं ना यहाँ पर उर्दू के एक बाद ये हो कि चीज़, जो कर रहा हो उसे समझ ना आ रहा हो, तो फिर बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन हो कुछ जाती फन है। नहीं। अच्छा, हमारे पास ना एक इंटर्नी आई थी सारी बातें याद आना शुरू हो अब एक कोच और कूच, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को पता है डिफरेंस क्या है। अच्छा हमारे किसी सियासतदान ने कहा कि जी अगर अच्छा, मैं इसलिए मजाही बातें नहीं बताती क्योंकि मुझे बहुत कंट्रोल करके बताना पड़ता है। अच्छा, एक हमारे सियासतदान ये कहते हैं, बड़ा आम है, कि जी हम इस तरफ जो है वो कूच कर जाएंगे, ठीक है? जो एक है, अच्छा एक हमारे पास इंटर्न आई, खातून थी, तो मैंने उनको जरा करेक्ट किया, उन्होंने कहा कोच कर जाएंगे सियासत फला। अब मैं सियासतदान को नहीं कोट कर रही, उन्होंने कहा कि जी वो एक डिलीवर कर रही थी न्यूज़, उन्होंने कहा कोच कर जाएंगे, तो मैंने उनको ब्रेक में करेक्ट किया, मैंने कहा ये कोच नहीं होता, कोच तो ये होता है कि जो एक आम कोच ट्रेलर में तसादम यस होता है। ट्रेलर तो उन्होंने कहा हम कुछ कर जाएंगे। तो नेक्स्ट यू नो इंसिडेंटली हुआ कि अगली न्यूज ही थी इंसिडेंट की और उसमें था कोच उन्होंने कहा कुछ और ट्रेलर में तसादम अच्छा मजे की बात है कि प्रोड्यूसर उसी दौरान चेंज हो गया और प्रोड्यूसर ने कहा कि आपने क्या पढ़ा, उन्होंने कहा मुझे तो सीनियर ने बताया मैंने कहा योन मैं नहीं करती ना तो ये कुछ चीजें होती हैं। आयशा कुछ कह रही थी, जामी की ये बता रही थी कि वो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की हस्ती समझी जाती है, पिछले ये कल परसों उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिस जो लोगों को हिला के जिसने रख दिया कि शायद वो डील के मूड में नहीं है या बातचीत का नाकाम, वो बीपर दे रहे थे, कोरोना के दिन थे,
अब शामी साहब सामने सीनियर हमारे जर्नलिस्ट मतलब सहाफ़ी बहुत आला पाए कि वो बैठे हैं एक सीरियस हस्ती, और अजमल जामी भी बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं और एक सीरियस शख्सियत है, और कोरोना के ऊपर बात हो रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है इन हालात में, तो उन्होंने कहा कि हमने कोरोना के लिए ये इकदाम किए हैं और हम यहाँ यहाँ जो हैं वो फंड्स जो हैं वो दे रहे हैं, फलाना जो इदारा है तो हमने ना उसके लिए कैटरीना भी बना दी है। अब क्वारंटाइन होता था उन दिनों में, अब जब उन्होंने कहा ना कि कैटरीना भी बना दिया है तो जामी पे कैमरा कट था, और आज भी यूट्यूब के ऊपर क्लिप है। जामी को पहले तो जामी ने जब्त किया जैसे हम सब का काम, लेकिन कान में प्रोड्यूसर की शरारत हुई एंड जामी की हंसी, जामी ने अपने होंठ भींच लिए लेकिन जामी का चेहरा बता रहा था कि वो अभी उसके, लेकिन वो सामने शामी साहब बैठे थे और सीरियस बात हो रही थी, और जिनका बीपर था वो भी पाकिस्तान में बड़े एक रिगार्ड किया जाता है तो वो हंस नहीं सकता था, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जामी कितने मुश्किल में होगा। फिर एक हमारे एक को एंकर है सलमान हसन साहब, तो सर्दियों के दिन थे तो उसमें एक जुमला था कि सर्दियों के आते ही शालों की मांग में इजाफा हो गया। अब सर्दी बहुत ज्यादा थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी तो उन्होंने शुरू किया सर्दी की शिद्दत में इजाफा, अब शालों और सर्दी वो मिक्स कर गए, तो अब वो तो पड़े थे सोलो पे, मैं साथ बैठी थी। आप अंदाजा करें, आप तो जो फंबल करते हैं करते हैं, जो आपका को एंकर है उसके ऊपर तेल डालता है ना, क्योंकि मेरी हंसी जो थी वो एब्रा हमेशा होती थी, और वो बेचारे आज भी वो क्लिप मौजूद है कि उनके लिए ये ज्यादा मुश्किल है कि वो मेरी हंसी की वजह से अपनी हंसी कैसे कंट्रोल करें, लेकिन मैंने बाद में उन्हें कहा, मैंने कहा आपको इतनी ज्यादा सर्दी लग रही थी कि आपके लव्स भी फ्रोजन हो गए। सो ऑल दीज थिंग्स ऐसे फनी वाकया जो ना वो होते रहते हैं और It becomes part of life and memories. हम तो आप दोनों से भी अभी expect कर रहे थे कि शायद आप दोनों के मुंह से करेंगे, अभी हम चलेंगे।